So I am back with makeup tutorial which is an inspired look from New Jersey from IBL एक sunrise Hyderabad makeup look tutorial है तो मैं उस jersey के color को inspired होते हुए इस makeup look को create किया है एक बहुत ही आसान सा video है जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने इसको create किया है आप चाहे तो इसे पूरा देख सकते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि एक paddling brush की मदद से मैंने अपने पूरे eye shadow को complete किया है ये एक बहुत ही अच्छा सा affordable brush है तो अगर आप बिगिनर हैं आपको बहुत सारे ब्रश की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल मेरे चैनल में फॉलो करेंगे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ एक पैडलिंग ब्रश की मदद से पूरे आईलिड को सब छोड़ के वी लाइन देते हुए क्रीज लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ सनराइज ऑरेंज कलर क्योंकि सनराइज हैदराबाद का जो कलर जर्सी का है वो इसे सनसेट कलर और गोल्डन ऑरेंज कलर का ही है तो मैं अपने आंखों पर दोनों कलर को मिक्स करते हुए एक आई शेडो लुक को क्रिएट करने वाली हूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने पूरे क्रीज लाइन को और वी शेप देते हुए सनराइज सनसेट कलर जो यूज़ किया है उसके बाद अपने मिडल अब जब आईलिड पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉन्सीलर का अगर आपके पास कॉन्सीलर नहीं है तो फाउंडेशन का थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए ताकि इसके बाद जो ये लाइट सा गोल्डन ही ऑरेंज कलर आप अप्लाई करें वो आराम से दिखाई दे नहीं तो ऐसे जो बहुत ही पेल कलर्स होते हैं या फिर बहुत लाइट कलर्स होते हैं ये क्या करते हैं हमारे आंखों पे इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं तो ये एक टिप है दोस्तों अगर आप बहुत ही लाइट कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आंखों को पहले आप प्रेप कर लीजिए किसी भी कॉन्सीलर या फिर फाउंडेशन की मदद से उसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन को यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन में एक ब्राउन कलर को ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा जो आँख है वो थोड़ा सा डायमेंशन दिखे बाद में मैं आईलाइनर का भी इस्तेमाल कर लूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करते हुए मैं अपने हाइलाइटर को प्लेस कर रही हूँ ताकि मेरा हाइलाइटर बहुत ज़्यादा चंकी ना लगे हाइलाइटर को प्लेस करते हुए मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड भी कर रही हूँ इसके साथ ही आफ्टर दैट मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया है ताकि मेरा आईज थोड़ा सा बिगर दिखे ब्रिज ऑफ द नोज और क्यूपिड बो को भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है उसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर रही हूँ इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग बताऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी ब्लश का यूज़ नहीं किया है सिर्फ कॉन्टोर पाउडर को ही थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग तरह कर लिया है बिकॉज यहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लश का इस्तेमाल नहीं किया है ज़्यादातर मैं अपने हाईलाइट की इस्तेमाल की हूँ देन आफ्टर मैंने यहाँ पे लिया है स्केच आईलाइनर स्केच आईलाइनर से आप एक आईलाइनर को ड्रॉ करूँगी सिंपल सा विंग लाइनर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्योंकि सारा जो इंटेंशन है वो दिखाना है मेरा आई शेडो तो आप चाहे तो किसी भी आईलाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर छोटा सा विंग लाइनर ही यूज़ किया है तो ये रहा मेरा फाइनल लुक बहुत ही सिंपल और बहुत इजीली ये लुक क्रिएट हो जाता है अगर आप कहीं जल्दी में बहुत जाना चाहते हैं और एक ड्रामेटिक सा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसा एक लुक आप क्रिएट कर सकते हैं हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने वीडियोस में टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान हो किसी भी ट्यूटोरियल को क्रिएट करते हुए तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय